ये सारी चीज़ें ट्रेंड में हैं, और जब हम ट्रेंडी चीज़ें फॉलो करते हैं तो हम बिल्कुल ट्रेंड के साथ चल रहे होते हैं, और क्योंकि जो ट्रेंड होता है वो यंग लोग फॉलो करते हैं और हम भी उसको फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर भी एक फीलिंग आ जाती है कि हम भी यंग हैं। और फ्रेंड, जब हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी डेवलप हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल साथीज वेलनेस लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बढ़ती उम्र में यंग कैसे दिखें। तो फ्रेंड्स, यंग दिखना सबको अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल दिखना सबको अच्छा लगता है, बट कभी कभी जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा फैशन कर लेते हैं, ऐसे स्टाइल्स कैरी कर लेते हैं जिसके चलते हम थोड़े से एजड नज़र आते हैं और ओवर एज लगते हैं, जो कि हमारी एक्चुअल एज से ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा फ्रेश भी लगना है, यंग भी लगना है, ब्यूटीफुल भी लगना है, तो सारी चीज़ें हम अगर ये फॉलो करते हैं, छोटे छोटे से टिप्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते, वो हैं फ्रेंड्स, पता हमें सारी चीज़ें होती हैं बट हम उस तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते। ये आप ज़रूर करके देखिए, बहुत ही प्यारा। आपका जो लेडीज़ होती हैं वो कोई भी अपनी उम्र बताना नहीं चाहती है और वो यंगर ही लगना चाहती है, ब्यूटीफुल ही लगना चाहती है। तो फ्रेंड्स, सारी टिप्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या चीज़ें आप करके यंगर नज़र आ सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि जब भी हम अपने बालों की चोटी बनाते हैं, पोनी बनाते हैं, तो फ्रेंड्स उसको हम लो कर लेते हैं। नीचे की तरफ हमारी जो पोनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा एज लुक देती है, ओवर एज लुक देती है। अपोजिट इसके अगर आप थोड़ी सी हाई पोनी बनाती हैं तो फ्रेंड्स ये आपको एक यंगर लुक देती है, एक फ्रेश लुक देती है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आप इस तरह की चोटी बनाएं तो इसको थोड़ा सा हाई पोनी बनाएं, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक अलग ही अपन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा फ्रेश भी लगना है, यंग भी लगना है। सेकंड टिप्स जो है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो लेडीज़ होती हैं वो बिंदी, बड़ी बड़ी जो होती हैं वो बिंदियाँ लगा लेती हैं। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि जो आपका फेस होता है या आपका जो लुक होता है वो थोड़ा सा आपको ओवर एज दिखाता है, आपकी एज से वो थोड़ा सा बड़ा दिखाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका फेस मेरी तरह गोल मटोल है तो फ्रेंड्स आपको इस पर एक छोटी सी बिंदी है उसको कैरी करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरा राउंड फेस है उस पर मैं बड़ी बिंदी लगा लूँगी या बिंदा लगा लूँगी तो फ्रेंड्स वो हमारा फेस को कवर कर लेगा, बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। आपकी बड़ी बिंदी लगाने से आपका जो पूरा फेस का लुक है बिल्कुल अलग हो जाता है और आपका जो फेस है बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा सा नज़र आता है, तो फ्रेंड्स वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से आप बड़ी बिंदी को स्विच कर सकती हैं एक छोटी सी बिंदी के साथ। तो फ्रेंड्स, आप जो बिंदी एक्चुअल में लगाती हैं उसे आप एक नंबर या दो नंबर आप एडजस्ट कर सकती हैं कभी साड़ी के साथ या कभी आपने सूट पहना है उसके साथ, बट फ्रेंड्स अगर आपने इतनी बड़ी बिंदी अगर लगाई है तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा आपको ओवर एज लुक दे। आप नक्की जो बिंदियाँ होती हैं वाइट नक की, वो भी ट्राई कर सकती हैं। कि हम बात करते हैं कि हम में से बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं वो बीच की जो मांग होती है सेंटर पार्टीशन वो कर लेती हैं, क्योंकि उनको मांग भरनी होती है, सिंदूर लगाना होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि एक तो बीच की मांग निकाल कर अगर हम सिंदूर भरते हैं तो फ्रेंड्स हमारे जो बाल हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पारा होता है वो हमारे बालों को वाइट कर देता है। अगर आप सेंटर पार्टीशन सिंदूर की वजह से करती हैं तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आज आप बिल्कुल गिव अप कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो सिंदूर है वो अगर आप रोज़ अपनी सेंटर पार्टीशन मांग में लगाती हैं तो आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल वाइट होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपका जो एज है वो बढ़ने लगेगी बालों के हिसाब से। तो फ्रेंड्स आप एक तो इसको बिल्कुल नो बोल दें, और दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स अगर आप बिल्कुल ऊपर की तरफ बाल बनाती हैं, विदाउट पार्टीशन आप बाल बनाती हैं, या आप साइड पार्टीशन में बाल बनाती हैं, तो फ्रेंड्स आपका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा डिग्निफाइड आएगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आएगा आपका। इसको स्विच कर सकती हैं साइड पार्टीशन से। अगर आप बालों को बांधना चाहती हैं या उसको ओपन रखना चाहती हैं तो फ्रेंड्स आप रख सकती हैं, बट आप सेंटर पार्टीशन है उसको अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स आप देखेंगी आपके जो लुक में है एक बहुत ही अमेजिंग चेंज आ गया है। हम बात करते हैं कुर्ती की। तो फ्रेंड्स कुर्ती हम लोग पहन लेते हैं, तो अगर आप गोल गले की कुर्ती पहनती हैं उसके अपेक्षा अगर आप इस तरह का जो क्लोज नेक है या आप कॉलर वाला नेक है ये पहनती हैं, इसमें जो हमारी एज है वो थोड़ी कम लगती है, हम थोड़े यंगर एज के लगते हैं अपेक्षा अगर आप ये बड़े गले के पहनते हैं तो।
फ्रेंड्स, दूसरी जो बात है वो मैटर करती है कि अगर आपकी सूट या जो भी चीज़ आपने पहनी है अगर उसकी फिटिंग अच्छी नहीं है तो फ्रेंड्स आपका लुक बिल्कुल बेकार हो जाएगा और आपकी छोटी आप बिल्कुल नहीं लगेंगी, आप बिल्कुल उम्र से बड़ी लगेंगी। तो फ्रेंड्स आप ये चीज़ गली के साथ में आप जो सूट पहना है आपने या जो भी आपने टी शर्ट्स या कुछ भी चीज़ आपने वियर करी है उसकी फ़िटिंग भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बात करते हैं कि अगर आप सलवार कुर्ता पहनते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं ना गले में इस तरह से दुपट्टा डाल लेते हैं, सोचते हमने बहुत अच्छा कर लिया, काम ख़त्म। बट फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि हमारा जो लुक होता है ना वो थोड़ा सा बहनजी टाइप का आता है। तो फ्रेंड्स ये आपको बिल्कुल गिव अप कर देना है, इस तरह का आपको बिल्कुल दुपट्टा नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको या तो साइड से इस तरह से दुपट्टा आप ले सकती हैं कि आपने दुपट्टे को खोलकर इस तरह से ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि दुपट्टा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और हम उसको संभाल नहीं पाते, तो उसको आप टू फोल्ड करके इस तरह से कंधे पर भी रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, आपका जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज होगा और आपके चेंजेस की होने की वजह से आप में थोड़ा सा फीलिंग है वो भी थोड़ी सी बदलेगी, क्योंकि इस तरह से हमारे अंदर क्या आ जाती है, भैंजी टाइप है हमारी और एज हो गई, हम ऐसे रहेंगे। लेकिन जब आप इस तरह से डालेंगी तो फ्रेंड्स आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको या तो आप गैदर करके डाल सकती हैं साइड से या फिर आप इसको ओपन करके डाल सकती हैं। अगर आपको दोनों तरफ ही डालना है तो फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से खोलकर भी डाल सकते हैं, एक तरफ से इस तरह से और एक तरफ से आपने इसको ओपन कर लिया, तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा आपका लुक है वो चेंज हो जाएगा और आपकी जो एज है वो बिल्कुल यंगर लगेगी। नेक्स्ट हम बात करती हैं फ्रेंड्स सलवार कुर्ता, अगर आप सलवार कुर्ता पहनती हैं तो फ्रेंड्स आप एक ही तरह के जो सलवार कुर्ता हैं उसको ना पहने, तो फ्रेंड थोड़ा सा आप है ना उसको लुक को चेंज कर सकती हैं। आप स्विच कर सकती हैं प्लाजो पैंट को, शरारा सेट को, चूड़ीदार पजामे को या जीन्स के साथ पेयर कर सकती हैं। आप अगर चाहें तो जो आजकल फैशन में है, ट्रेंड में है, वो आप इंटरनेट पर सर्च करके वो देख सकती हैं, वो कपड़े जो हैं अपने लिए ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो न्यू ट्रेंड चलता है उसे फॉलो हमें ज़रूर करना चाहिए। एक ही तरह के जो सलवार कुर्ते हैं या आप कोई भी साड़ी पहनती हैं, स्टाइल जो है थोड़ा सा आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स उसके बाद आप में एक अलग ही चेंज नज़र आएगा। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट टिप पर। जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम एक बहुत ही बड़ा सा काला काइंड ऑफ बैग ले लेते हैं, तो फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लुक देता है, उससे लगता है बिल्कुल कि एक आंटी वाली जो फीलिंग है वो आ जाती है। तो फ्रेंड्स आजकल हर कोई ट्रेंडी लगना चाहता है, हर कोई फैशन को फॉलो करना चाहता है और वो ही यंगर लगना चाहता है। तो फ्रेंड्स आप क्यों झोला वाले जो बैग हैं वो लेकर ओल्ड एज लगना चाहती हैं या एजेड लगना चाहती हैं, तो फ्रेंड्स इसको आपको स्विच करना है एक छोटे से क्लच के साथ में या छोटे से एक पर्स के साथ में। तो फ्रेंड्स जो भी आपको सामान लाना है उसके लिए आप कैरी बैग अलग से ले सकती हैं, बट ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक बड़ा सा झोला काइंड ऑफ बैग ले लिया और उसी में आपने वॉलेट रख लिया, उसी में आपने जो भी आपको सामान खरीदना है वो ले लिया, सारी चीज़ें आपने उसमें ऐड कर ली। तो फ्रेंड्स इसको आपको अवॉइड करना है, जब भी आप मार्केट जाएँ या तो आप पर्स हैं, वॉलेट हैं वो लेकर जा सकती हैं, स्लिंग बैग हैं वो आप ट्राई कर सकती हैं, उससे एक हमारा जो लुक होता है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है और एक बहुत ही स्टाइलिश। हम लास्ट में बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमारे जो फुटवेयर होते हैं, हम क्या करती हैं कि इतने सारे फुटवेयर्स होते हैं, हम इस तरह के जो होते हैं जो लेफ़्ट साइड में दिख रहे हैं इस तरह की, अगर आपके पास हैं तो फ्रेंड्स आप उसको घर में ट्राई कर सकते हैं या कहीं भी ऐसे आप उसको पहन सकते हैं, तुम स्लीपर्स की तरह ही आप उसको घर में वियर कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और आप इस तरह की जो सैंडल हैं और चप्पलें हैं वो पहनती हैं तो फ्रेंड्स आपका जो लुक होता है वो बिल्कुल लो लेवल पर चला जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको स्विच करते हैं इस तरह की डिज़ाइनर फुटवेयर के साथ में जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, फ्रेंड्स फुटवेयर के साथ में कंफर्ट जोन जो है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप अगर चाहें तो आप फ्लैट में इस तरह की जो चप्पल्स हैं या सैंडल हैं या इस तरह की जो शूज़ हैं, जूती हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आता है इनसे। और फ्रेंड्स एक ही टाइप की जो अगर आप पहनती हैं कि ब्राउन और ब्लैक जो हैं ये एवरग्रीन हैं, अनडाउटेडली ये एवरग्रीन है, बट हर समय ही इनको पहनना अच्छा नहीं लगता, इनको आप पहन सकती हैं अगर आप कहीं वॉक पर जाती हैं वहाँ पर आप इनको पहन कर जा सकती हैं, बट फ्रेंड्स अगर कहीं आप पार्टी में जाती हैं कहीं जाती हैं तो आप थोड़ा सा इसको ट्रेंड के हिसाब से आप इसको वियर कर सकती हैं, ट्रेंड के हिसाब से आप इसको परचेज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो लुक है वो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाला आएगा। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखती हैं तो आपका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा यंगर आते हैं कि हमारे जो कान के छेद हो जाते हैं फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं,
क्योंकि जो इस तरह के कुंडल होते हैं वो पहनने की आदत होती है मोस्टली लेडीज़ को, तो उनके जो कान होते हैं वो लटक जाते हैं और जो उनका कान का छेद होता है वो यहाँ से दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स ये जो फीलिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा एजड वाली जो फीलिंग होती है, जैसे हमारी मम्मियों की होती है, उनके कान के वो पहनते हैं बड़े बड़े और उनके जो पहनने से लटक जाते हैं तो वो छेद जो होता है वो विजिबल होता है। तो फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा एक ऑड आपको लुक देता है। तो फ्रेंड्स उसको कवर करने के लिए आपको इस तरह के पहन सकती हैं जो आपके कान के छेद को कवर करे, इस तरह से ये आप देख सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये छेद को इसने कवर कर रखा है, या कोई भी आप राउंड टॉप्स हैं वो पहन सकती हैं। इस तरह के जो कुंडल वगैरह हैं इसको आप अवॉइड करें, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप ये पहनेंगी तो आपका जो छेद बड़ा हो गया है वो विजिबल रहेगा। तो फ्रेंड्स इसको आप स्विच कर सकती हैं राउंड टॉप्स की तरफ, या आप कोई भी इस तरह की जो कनौती वगैरह आती हैं उन्हें पहन सकती हैं, जो आपके कान को भी सपोर्ट देगा और आपके कान को जो छेद बड़े हो गए हैं वो ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स मार्केट में बहुत सारी तरह की जो कनौती हैं सपोर्टर हैं ईयर सपोर्टर वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा मुझे, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी। आप देखना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी वो वीडियोस लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।